हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आपन को 2020 मसीह ओटीटी क्वालिफाई करिबा आमर दायित्व रही। देखो आम प्रत्येक दिन आपन को पाई ओटीटी क्लासेस प्रोवाइड करिबु। प्रथमे मु आपन को सीडीपी पढ़ाइबी, जहाँ कि चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी, जहाँ को कि शिशु विकास एवं शिक्षा विज्ञान बोली आपन कहते। आज क्लास टी आपन को पाई प्रथम क्लास रही। निहाती आपन को सबुबेले सपोर्ट रही और वीडियो को समस्त सहित शेयर करने चेष्टा करेंगे। देखते फ्रेंड्स, आम प्रत्येक दिन 10 लेखाएं क्वेश्चन आने फुल्ली आनालीसीस करवा। जदि आप 10 क्वेश्चन देखुंत, आपापाखि 100 क्वेश्चन आंसर देवाई पसिबल हो पार, कहीं आम प्रत्येक जो ऑप्शन गुड़ाक रही सब गुड़ाक आम आनालीसीस करवाई चेषा करुच। देखते फ्रेंड्स, आपं मु प्रथम क्वेश्चन रखी, जहाँकि आपंकर कौतूहल क्यों प्रकार विकासर उदाहरण। देखो कौतूहल मान मानसिक स्तर से सही जिनसटी होता है। देखते फ्रेंड्स, प्रथम कथा रही मुझे रखी मानसिक स्तर में ऑप्शन ए रही कौन शारीरिक, ऑप्शन बी रही आवेगिक, ऑप्शन सी रही बौद्धिक, ऑप्शन डी रही सामाजिक। देखते फ्रेंड्स, आप गोटे कथा मन रखु, जोबले आपणकर मानसिक व कौतूहलता आप मानने मस्तिष्क में सृष्टि होता है, जहाँकि आपंकर सुख दुख युवाक किसी मानने यार प्रभाव पड़ता है। जदि कौतूहलता मानसिक स्तर रोचे सेटा आपंकर बौद्धिक रोचे। देखते फ्रेंड्स, बौद्धिक मान आप जोटा मानसिक स्तर में होता है, शारीरिक मान आपर फिजिकाल मान आपर शरीर में कौन सी हाथ बढ़ा गोड़ बढ़ा युवाक शारीरिक विकास उदाहरण, एवं आवेगिक मान आपर सुख दुख एवं ईर्षा स्नेह भलपाइवा सेगुड़ाक हूँ आवेगिक। सामाजिक मान आप गोटे समाज में लोक मान सहित किपर इंटराक्शन करपर व्यवहार करुँच सेटा हूँ आपंकर सामाजिक विकास उदाहरण। देखते फ्रेंड्स, आम परवर्त प्रश्न को निहाती जा। देखते आपंकर सेकेंड प्रश्नटा कौन रही, क्यों क्रिया मनुष्यर सारा जीवन संगठित होता है। देखते फ्रेंड्स, क्यों क्रिया मनुष्यर सारा जीवन संगठित होता है। देखो ऑप्शन ए रही कौन ना शारीरिक अभिवृद्धि, ऑप्शन बी रही कौन ना शिक्षण प्रक्रिया, ऑप्शन सी रही कौन बौद्धिक अभिवृद्धि, ऑप्शन डी रही कौन ना सामाजिक अभिवृद्धि। देखते फ्रेंड्स, आपड़ जानते हैं लर्णिंग इज लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, जहाँकि आपंकर शिक्षण होउची जीवन व्यापी प्रक्रिया, जहाँकि मनुष्यर सारा जीवन संगठित कौन होता है शिक्षण। से फ्रेंड्स, यार ऑप्शन बीटा हूँ जो शिक्षण प्रक्रिया सटिक आंसर। देखो शारीरिक अभिवृद्धि क्या फिजिकल डेवलपमेंट गोटे निर्दिष्ट स्तर पर्यंत जाए शारीरिक बुद्धि, जोटि कि आपंकर शारीरिक अभिवृद्धिटा बंद हो जाए आप 22 वर्ष पुरुष मानक महिला मानक कौन आप 18 वर्ष शारीरिक अभिवृद्धिटा बंद हो जाए। बौद्धिक अभिवृद्धि कौन ना आप जो मेंटल बा कॉग्निटिव अभिवृद्धि सेटा गोटे निर्दिष्ट स्तर पर्यंत जाए सेटा रही जाए। एवं सामाजिक अभिवृद्धि आप समाज में जिते पर्यंत मिशुवे से पर्यंत आपंकर सामाजिक अभिवृद्धि घटुव, जितेबाला आप समाज को मिसा छाड़देवे से सामाजिक अभिवृद्धि घटवन से यार सटिक आंसर कौन हो आपंकर शिक्षण प्रक्रिया हूँ जीवन सारा संगठित होता है, सारा जीवन संगठित कौन ना शिक्षण प्रक्रिया होती है। आशा करा डाउट क्लीयर हो पारे आप चेषा करुच प्रत्येक क्वेश्चन को आपको आनालीसीस कर जनवाई। देखते फ्रेंड्स, आपवर्त प्रश्न कौन रही रही आपणकर क्यों उपादान शिशुर मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करे ना। देखते फ्रेंड्स, आप सब क्वेश्चन को गोटे बेले मैंने बहुत समय आप देखापी चेष्टा करेंगे ना क्यों उपादान शिशुर मानसिक स्वास्थ्य निर्भर करे ना। देखते फ्रेंड्स, कही रखुच्छी ये करे ना करे से वार्डटा को आप सब मैंने ध्यान रखते हैं, कहीं बहुत सारा इंपोर्टेंट प्रश्न रही। देखते आपंकर ऑप्शन ए रही कौन ना शिक्षकों ज्ञान, ऑप्शन बी रही सह शिक्षार्थी सहित संपर्क, ऑप्शन सी रही परिवार आर्थिक अवस्था, ऑप्शन डी रही पितामाता कल। देखते फ्रेंड्स, आप कौन रही शिक्षक मैंने मैंने गोटे शिशुर मानसिक स्वास्थ्य क्या निर्भर करे ना। देखते गोटे शिक्षकों जो ज्ञान गोटे शिक्षक पाखे कौन ज्ञान अच्छी ज्ञान ना ता शिशु पर कौन से प्रभाव पकाई न था, से यार सटिक आंसर होगी ऑप्शन ए शिक्षकों ज्ञान, कहीं जड़े शिक्षक मानने जड़े टीचर पाखे कौन शिक्षा अच्छी कौन ना तो शिशुर मानसिक मेंटल कॉग्निटिव कौन सी इफेक्टिव पकई न था। देखो ऑप्शन बी जो रही शिक्षार्थी सहित संपर्क, जो गोटे सांग सहित भल संपर्क थी झगड़ा हो जाए कि कल सृष्टि से मानसिक मान गोटे मानसिक अवस्था भारसाम्य अल बस लोक मैंने दुख हुए कष्ट हुए कौन हुए। तापर जो आप आर्थिक जब पर मनी सटे तार प्रभाव पड़े शिशुर मानसिक कहीं सब चिंता रही थो मो पाखे पैसा नहीं कि मो बहीटा कि पैंटा किनि जहाँकि तार मानसिक स्वास्थ्य उपर से प्रभाव पकाए। ऑप्शन डी जो रही आप पितामाता कले जदि पर बापा माँ मध्य मानने कलह सृष्टि होता है पिला स्कूल आसे से यार प्रभाव पड़ता है।
तो फ्रेंड्स यही हूँ आपंकर 3 नंबर क्वेश्चन आंसर जहाँकि आपंकर ना शिक्षक ज्ञान शिशुर मानसिक स्वास्थ्य उपर कौन प्रभाव पकाई न था। देखते फ्रेंड्स आम जो भी क्वेश्चन पढ़ु आप आंसर जानते कमेंट बक्स में निहाती आप लिखते आमको बहुत भल लगे। देखते फ्रेंड्स आपंपी परवर्ती प्रश्न रही कौन ना क्यों शिक्षण तत्व देखते फ्रेंड्स क्यों शिक्षण तत्व अनुसार क्यों शिक्षण तत्व अनुसार आपणकर क्यों शिक्षण तत्व अनुसार शिक्षार्थी स्वल्प निष्फल प्रचेषा पर हठात सिद्धांत उपनीत होता है। देखते फ्रेंड्स कथाटे मन रखु क्यों शिक्षण तत्व आपणकर जो रही तार हठात आपणकर कौन रही मानने किसी प्रचेषा पर हठात सिद्धांत उपनीत होता है। देखो ऑप्शन ए कौन आप रही कौन प्रयत्न प्रमाद तथा ऑप्शन बी रही क्या अंतर्दृष्टि मतवाद ऑप्शन सी रही सापेक्ष प्रतिवर्त मतवाद ऑप्शन डी रही क्षेत्रीय मतवाद। देखते फ्रेंड्स आपड़ जब एनसर जानते कमेंट बक्स में लिखते मुझे कहीदे देखो स्वल्प प्रचेषा मैंने आम कि चेषा करूवा हठात कि आम सिद्धांत उपनीत होगा सेटा हूँ अंतर्दृष्टि कहीं आम कि गोटे जिनसा को जानते कितु आम से भूली जाऊँ किसी स्टेप गलापर पुणी आम से मन पकईदे से आपंकर अंतर्दृष्टि। देखते फ्रेंड्स ये जो आप प्रमद जो प्रयत्न प्रमाद मानते ट्रायल एरर जहाँ को कि थंडाइक देते देखते से बारंबार चेषा करवा और सफलता पाइबाटा हूँ प्रयत्न प्रमाद सापेक्ष प्रत्यवर्त मतवाद मान मानते मानते सडनली आपटा को जापर क्षेत्रीय मतवाद मैंने गोटे एरिया भितर जिनसटा को जो आप देखिए आपड़ सफल हो पारे से आपंकर क्षेत्रीय मतवाद से यार सटिक आंसरटा आपंकर कौन रोचे ना अंतर्दृष्टि मतवाद हूँ यार सटिक आंसर। देखते फ्रेंड्स आपंपी परवर्ती प्रश्न कौन रही ना आपंकर रही माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा परिचालित हाई स्कूल सर्टिफिकेट परीक्षा क्यों श्रेणीर मूल्यायन। देखते फ्रेंड्स आप जो आप रही आमर जो केन्द्रीय आम जो माध्यमिक शिक्षा परिषद करुँच हाई स्कूल सर्टिफिकेट आपंकर जो दशम श्रेणी परीक्षा करुच्चा आपंकर क्यों प्रकार मूल्यायन ऑप्शन ए कौन दे आपंकर ना व्यवस्थान मूल्यायन ऑप्शन बी कौन देना गठनात्मक मूल्यायन ऑप्शन सी कौन देना नैदानिक ऑप्शन डी कौन दे सामग्रिक। देखते फ्रेंड्स मुझे आपको ये गोटे कथा कही रखी कहीं आपंकर जो यहाँ आप सामग्रिक मूल्यायन एवं देखते व्यवस्थान मूल्यायन कौन ना जो गुड़ाक आपंकर कौन कोर्स आडमिशन कौन सी टी टी जपरी आपंकर ओ टी टी ओ एस एस टी टी मेडिकल एंट्रान्स जेई ओ जे जो ये गोटे मानने कोर्स को जीवापी जो प्रवेशिका परीक्षा कराए से व्यवस्थान परीक्षा देखते गठनमूलक जो जोटा कि आपंकर तीन मसीय मानने जो षाडवार्षिक जो परीक्षा कराए से गुड़ाक हूँ आप गठनमूलक नैदानिक मान कौन आपंकर गोटे जो श्रेणी में गोटे क्लास चली पाकर दोष दुर्बलता जानापी जो मूल्यायन कराए से नैदानिक। देखते फ्रेंड्स वर्ष शेष जो परीक्षाटी कराए से आपंकर सामग्रिक मूल्यायन। देखते फ्रेंड्स यहाँ हूँ आपको ना माध्यमिक शिक्षा परिषद परिचालित हाईस्कल सर्टिफिकेट परीक्षा क्यों श्रेणी मूल्यायन कहीं वर्ष शेष समग्र विषय को समग्र वर्षर जिनसटा को गोटे जगार परीक्षा कर मूल्यायन कराटा हूँ सामग्रिक मूल्यायन। देखते फ्रेंड्स आपंपी परवर्ती प्रश्न कौन रही ना हरलक मतरे आद्य बाल्यावस्थार बयस सीमा के देखते फ्रेंड्स आपण जो साइकोलॉजिस्ट अच्छा हरलक एवं हरलक मतरे आपणकर कौन ना आद्य बाल्यावस्थार बयस सीमा ऑप्शन ए कौन रही ना 0 to 6 माने मंथ एवं यहाँ रही कौन ना 2 to 6 माने 2 to 6 वर्ष एवं ऑप्शन सी रही 6 to 10 वर्ष ऑप्शन डी रही माने जन्म रु 2 वर्ष। देखते फ्रेंड्स यार सटिक आंसर कहीं आद्य बाल्यावस्था मैंने आप बुझीपे प्रथम कौन रहा बाल्यावस्था तापर आद्य बाल्यावस्था से आप यार कौन रही 2 to 6 वर्ष हूँ आद्य बाल्यावस्थार हरलक मतरे। देखते फ्रेंड्स हरलक मतरे कौन कौन सब कौ अवस्था के वर्ष मुझे मत गोटे थीओरी क्लास नहीं आसबि आप जमा भी ऑलरेडी हूँ आप जानवर यहाँ हूँ क्वेश्चन आंसर सीरीज। देखते फ्रेंड्स यहाँ आपंकर परवर्ती प्रश्न कौन रही आपंपी ना क्यों तीनोटी विषय देखते फ्रेंड्स आप क्यों तीनोटी विषय प्रश्न पचार कौशल सह संपर्कित देखते आप क्यों तीनोटी विषय प्रश्न पचार कौशल सहित संपर्कित ऑप्शन ए कौन रही प्रश्नर गठन पचार शैली और शिक्षक कर्तव्य प्रथम रही कौन ना प्रश्न पचार शैली प्रश्नर परिमाण शिक्षक कर्तव्य ऑप्शन बी रे रही ऑप्शन सी रे रही मानने प्रश्नर गठन प्रश्नर परिमाण एवं शिक्षक व्यक्तित्व एवं ऑप्शन डी कौन रही
ପ୍ରଶ୍ନର ଗଠନ, ପଚାରିବା ଶୈଳୀ ଓ ପ୍ରଶ୍ନର ପରିମାଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣ ଏଇଠୁ କୋଶ୍ଚିନ୍କୁ ଦେଖିଲେ ଜାଣିପାରିବେ ଏହାର ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାର ଶୈଳୀ, ପ୍ରଶ୍ନ ଆମେ ପଚାରିବା କେତେବେଳେ, ପ୍ରଶ୍ନ ଗୋଟେ ଗଠନ ହେଇଥିବା ଦରକାର, ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଗଠନ କରିବା ଏବଂ ଆମକୁ ସେଇଟା ପଚାରିବାର ଶୈଳୀ ଥିବା ଦରକାର ଏବଂ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କିଛି ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଥିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍, କାହିଁକିନା ପ୍ରଥମେ ଗଠନ କରାଯାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କେମିତି ପଚରାଯିବ, ଯଦି ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ ପଚାରିବା ଶୈଳୀ କେମିତି ପ୍ରଥମେ ଆସିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଗଠନ ଅଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶ୍ନର ପରିମାଣ ସେଟା କେବେ ରହିପାରିବନି। ଏଠି ପ୍ରଶ୍ନର ଗଠନ ଅଛି, ପଚାରିବା ଶୈଳୀ ଅଛି, ପ୍ରଶ୍ନର ପରିମାଣ, ପରିମାଣ ଆପଣ ଶେଷରେ ରହିପାରିବନି। ପ୍ରଥମେ ପ୍ରଶ୍ନର ଗଠନ ରହିବ, ତାପରେ ପ୍ରଶ୍ନର ପରିମାଣ ରହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଶେଷରେ ପରିମାଣ ରହିପାରିବନି। ସେଥିପାଇଁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ପ୍ରଶ୍ନର ଗଠନ, ପଚାରିବା ଶୈଳୀ ଓ ଶିକ୍ଷକଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି? ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିଅର୍ ହୋଇପାରୁଥିବେ, କାହିଁକିନା ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଶ୍ଚିନ୍ର ଆନ୍ସର୍କୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ରହିଛି ନା, ଜଣେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରିବା ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପକ୍ଷେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହୁଛି ନା, ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀଙ୍କର ଆଚରଣ ଅଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ କେଉଁ ପଦ୍ଧତି ଅନୁସରଣ କରିବା ଶିକ୍ଷକ ପକ୍ଷରେ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନ କ'ଣ ହେଉଛି ନା, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ, ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ ଆପଣ ଜାଣିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଯିବା, ମାନେ ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀର ଅଞ୍ଚଳକୁ ଯିବା କି କୌଣସି କାହା ପାଖରୁ ଆମେ ପଚାରି ଶିକ୍ଷାର୍ଥୀ ବିଷୟରେ ଯାହା ଜାଣିପାରିବା। ସାକ୍ଷାତକାର ମାନେ ଆମେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ମାନେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଆମେ ମାନେ ଷ୍ଟୁଡ଼େଣ୍ଟକୁ ପଚାରିକି ଆମେ ତା ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା, ଏବଂ ସପରୀକ୍ଷଣ ମାନେ ଆମେ ପିଲାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା କରି ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା, ପରିବାର ସ୍ଥିତି ମାନେ ପରିବାର ପାଖରୁ ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଜାଣିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ଏହା ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ଡି, କାହିଁକିନା ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆମେ ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରିପାରିବା, କାହା ମାଧ୍ୟମରେ ପଚାରିକି ଗୋଟେ ଶିଶୁର ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବା, ସାକ୍ଷାତକାର ମାନେ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ପିଲାକୁ ପଚାରିକି ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ଜାଣିପାରିବା, ସପରୀକ୍ଷଣ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା କରି ପିଲା ବିଷୟରେ ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଜାଣିପାରିବା, କିନ୍ତୁ ପରିବାରର ସ୍ଥିତି ଆମେ ଜାଣିପାରିବାନି, ଏଇଟା ଟିକିଏ ସମ୍ଭବପର ନୁହେଁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନଟା କ'ଣ ରହିଛି ଦେଖିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି କ'ଣ ନା, ସୃଜନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କଠାରେ କେଉଁ ଗୁଣଟି ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ କେଉଁ ଗୁଣଟି ଦେଖା ନଯାଇଥାଏ, ମାନେ ଦେଖାଯାଏ ନାହିଁ, କୋଶ୍ଚିନ୍ଟାକୁ ଆପଣ ଦେଖୁଥିବେ ମନେ ରଖିଥିବେ, କେଉଁ ଗୁଣଟି ଦେଖାଯାଇ ନଥାଏ। ଅପସନ୍ ଏ ରହିଛି କ'ଣ ନା, ଅଧିକ ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି, ଏଇଟା ନିହାତି ଦେଖାଯାଏ, ମୌଳିକତା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, ସ୍ୱାଧୀନ ଚିନ୍ତା ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ସେ ଆଉ କାହା ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କ୍ରିଏଟିଭ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ ମାନେ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ ସୃଜନଶୀଳ ଶକ୍ତି ଅଛି, ସେମାନେ ନିଜେ ଅଧିକ ସେମାନଙ୍କର ସ୍ମରଣ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ମୌଳିକତା ମାନେ ନିଜେ ନିଜେ ଜିନିଷ ତିଆରି କରିବାର କ୍ରିଏଟିଭିଟି ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ମୌଳିକତା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ନିର୍ଭରଶୀଳ କାହା ଉପରେ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପ୍ରଶ୍ନ ରହିଛି, କେଉଁଟି ପେଶୀୟ ଶିକ୍ଷଣର ଅନ୍ତର୍ଗତ ନୁହେଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, କେଉଁଟି ଆପଣଙ୍କର ପେଶୀୟ ଶିକ୍ଷଣ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କର ପେଶୀୟ ଶିକ୍ଷଣ ମାନେ ଆପଣ ବୁଝିପାରୁଥିବେ, ମାନେ ମାଂସପେଶୀ ଉପରେ ସେଥିରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ନଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ରହିଛି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ, ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁଟି ଚିତ୍ର ଅଙ୍କନ କରିବ, ତା'ର ପେଶୀ ବା ତା'ର ହାତରେ ସେ ଯେଉଁ ପେଶୀ ମାଂସପେଶୀ ଗୁଡ଼ାକ କାମ କରିବ, ଯେ କଥା କହିବା, ଯେତେବେଳେ ଆମେ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଆମର ମୁଖଟା, ଯେଉଁ ପାଟି ଅଛି, ଜିଭ ଅଛି, ଆମର ଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସବୁଗୁଡ଼ାକ ସେଠି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି, ସେଠି ପେଶୀ ହେଉଛି। ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବା ମାନେ ଆମ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ବିନ୍ଦୁକୁ ଏମିତି ଯୋଡ଼ିବା, ଏବଂ ଆମେ ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା, ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆମର ସବୁ ହାତ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ, ଗୋଡ଼ ବି ଏଠି ମାଂସପେଶୀ କାମ କରିଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏଠି ଆପଣଙ୍କ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ କ'ଣ ହେବ ନା, ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବାରେ ଆପଣଙ୍କର ମାଂସପେଶୀ ଶିକ୍ଷଣ ଟିକିଏ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏତେଟା ନଥାଏ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେଇଟା ହେଉଛି ସବୁଗୁଡ଼ାକରେ ଅଛି, ବଟ୍ ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବାରେ ଟିକିଏ କମ୍ ଅଛି। ଚିତ୍ର କଲେ ଆପଣ ସେଠି କ୍ରିଏଟିଭିଟି ପ୍ଲସ୍ ଆପଣଙ୍କର ମାଂସପେଶୀ କାମ କରିବ, କଥା କହିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମୁଖ, ଦନ୍ତ, ଜିଭା ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବ, ସାଇକେଲ ଚଳାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମାଂସପେଶୀ, ଆପଣଙ୍କର ଗୋଡ଼ ହାତ ମଧ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର୍ ହେଉଛି ଅପସନ୍ ସି, ବିନ୍ଦୁ ଯୋଡ଼ିବା। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଆଶା କରିବି ଏ ଭିଡ଼ିଓ ଗୁଡ଼ାକ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗିଥିବ, ଯଦି ନିହାତି ଭଲ ଲାଗିଛି ଗୋଟେ ହୃଦୟରୁ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ନିଜର କମେଣ୍ଟ ଦେବେ ଏବଂ ନିଜର ସମସ୍ତ OTT ଯେଉଁମାନେ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ, ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଭିଡ଼ିଓରେ, ଧନ୍ୟବାଦ।